वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को 20 से ज्यादा दिन बीत गए हैं। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं और सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश का संभल जिला किसान आंदोलन को लेकर सुर्खियों में है। संभल जिले में किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को 50,000 रुपए के नोटिस भेजे गए हैं। संभल के SDM ने 6 किसानों को 50,000 तक का मुचलका भरने के लिए नोटिस भेजे हैं। पहले इन किसानों को 50,00,000 रुपए के नोटिस भेजे गए थे, लेकिन अब इस नोटिस को संशोधित कर दिया गया है। SDM दीपेंद्र यादव ने 50,00,000 वाले नोटिस पर सफाई देते हुए इसे क्लेरिकल एरर यानी निचले स्तर पर की गई गलती बताया, जिसे सुधार लिया गया है। अब किसानों को 50,000 का मुचलका भरना होगा। जिन 6 किसानों को नोटिस दिया गया है उनमें भारतीय किसान यूनियन संभल के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव समेत 6 किसान हैं। किसानों ने ये मुचलका भरने से साफ इनकार कर दिया है। राजपाल यादव ने कहा है, हम ये मुचलका किसी भी हालत में नहीं भरेंगे, चाहे हमें जेल हो जाए चाहे फांसी हो जाए। हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन आखिर किसानों के प्रदर्शन से इतना क्यों डर रहा है? क्या हम आतंकवादी हैं? किसानों का SDM की तरफ से जो नोटिस मिला है उसमें कहा गया है कि किसान गांव-गांव जाकर किसानों को भड़का रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। यूपी चंदौसी और सिंहपुर इलाकों से आने वाले किसान नेता बीते 26 नवंबर से ही प्रदर्शन के लिए किसानों का आह्वान कर रहे थे। पहले दिन ही संभल के एक चौराहे पर 400 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद यूपी पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की और जब किसान नहीं रुके तो पुलिस ने किसानों को नोटिस भेज दिया। किसानों ने ऐसे नोटिस को लोकतांत्रिक प्रदर्शन का गला दबाने की कोशिश का नाम दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में अब विपक्ष खुलकर साथ आ गया है। किसानों के आंदोलन और विपक्ष के हमले के बीच PM नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिनाए। मध्य प्रदेश के हजारों किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। PM मोदी ने कहा कि विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह कर रहा है। पिछले 6 महीने से कानून लागू हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के अंत में किसानों को बातचीत का भरोसा दिया। PM मोदी ने कहा, देश के अधिकतर किसान इन कानूनों के साथ हैं, लेकिन अब भी किसी को आशंका है तो हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च है।